नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं कमाल चौक में, जहां पे आज का चौथा दिन है लॉकडाउन का। जैसे कि बताया गया था मौसम विभाग के हिसाब से कि आज बारिश होने वाली है, वैसे ही हो भी रही है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन लग ही नहीं रहा। बारिश के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलना कम नहीं कर रहे हैं, लोगों का किसी ना किसी कारण से लोग बाहर ही निकल रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर सैयद शाहिद, आई एम वर्किंग इन NMC एज अ मेडिकल ऑफिसर। और हम लोग कोविड कैंप की ड्यूटी अभी कर रहे हैं यहाँ पे नागपुर में, आशीनगर जोन में मेरी ड्यूटी चल रही है। एंड वी आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, लाइक हम लोग सारे सैनिटाइजर्स वगैरह, मास्क, सभी चीज़ें प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। और हम सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रिकॉशंस है आप सभी अच्छी तरह से लीजिए, क्योंकि ये प्रॉबली सेकेंड वेव है कोविड का और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इसमें मतलब हम जितना सावधानी बरतेंगे उतना हम कोविड से सुरक्षित रह पाएंगे। और अपने पेशेंट्स आते हैं कोरोना के, आपके कोरोना के पेशेंट्स? तो मैडम, हम लोग जो रेगुलरली कैंप ले रहे हैं तो कैंप ड्यूटी में हमको टेस्टिंग के बाद में उसमें पता चलता है, फिर भी रेगुलरली 1000 to 1500 पेशेंट्स जो अपने नागपुर में निकल रहे हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक के अपने कम्युनिटी का सवाल है, तो इसमें आप जितनी प्रिकॉशन लेंगे उतना अच्छा, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए होगा, उतना जल्दी अपन रोकथाम कर पाएंगे और हो सके तो लॉकडाउन भी आगे नहीं लगेगा इस वजह से। अभी वैक्सीनेशन जो आया है, मतलब उसके बारे में क्या कहना है? वैक्सीनेशन का तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन आप सभी करवाइए। दो डोजेज आपको लेने हैं, एक पहला डोज लेना है फर्स्ट डे पर, 20 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना है, उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। वैक्सीनेशन लेने से घबराइए मत, वैक्सीनेशन सुरक्षित है और सभी के लिए लाभदायक है। आप सभी वैक्सीनेशन करवाइए। अभी जिस हिसाब से आपको प्रोटोकॉल फॉलो करवा के आप वैक्सीनेशन करवाएंगे वो आप फॉलो करिए और आप सभी जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे अपने एरियाज के रिस्पेक्टिव आप करवाइए वैक्सीनेशन। आप अपनी सेफ्टी कैसे लेते हैं? तो अपनी सेफ्टी के लिए तो हम सभी मतलब यूजुअली हम लोग वेपर्स लेते हैं, गर्म पानी का भाप जो होता है वो लेते हैं, विटामिन सी हम लोग ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, एंड उसके साथ साथ हम ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं। प्लस जब यहाँ से ड्यूटी करने के बाद हम घर जाते हैं तभी प्रॉपरली इस कपड़ों को अच्छी तरह से गर्म पानी में वॉश करके अच्छी तरह से वॉश करते हैं और नहाने के बाद ही घर वालों के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो जनता के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से कोरोना के बारे में? जनता के लिए तो मेरा यही मैसेज है मैडम कि सभी जो है तो सावधानी बरते। अभी कोरोना काफ़ी बढ़ चुका है, पिछले साल के मुकाबले इस कोविड की जो ये वेव है तो ये थोड़ी सी डेंजरस है, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना प्रॉपर ज़रूरी है अपने घर वालों के लिए और अपने खुद के लिए सुरक्षित रहने के लिए। अच्छी तरीके से प्रिकॉशन लीजिए, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए और ध्यान रखिए। सुनील चुटेलकर। म्हणजे कोण आहे? नागपुर महानगरपालिका में SFW RR टीम कोविड में हम लोग RR टीम कोविड में काम कर रहे हैं नागपुर महानगरपालिका की तरफ से। तो हमारा कैंप चालू है अभी कंटिन्यू, जो भी पॉजिटिव पेशेंट है उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनके जितने जो रिलेटेड लोग हैं, जो भी एक एक पेशेंट के कम से कम 30-30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लोगों को निकालना, उनका टेस्टिंग कराना, ये हमारा काम है, वही चालू है। नहीं जो सभी लोगों को नहीं, जैसा बैंक जो है तो बैंक के है, जो शॉप टू शॉप जो है, जो बाहर रोडों में जो चल रहे हैं, जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जहाँ एक पॉजिटिव पेशेंट निकलता है वहाँ पे हम लोग अपनी वैन लगाते हैं, उस रॉ में जितने भी उस लाइन में जितने भी लोग हैं सभी का टेस्टिंग कराना वो हमारा काम है। अभी हमारा वही टेस्टिंग चालू है कंटिन्यू। कितने लोगों को टेस्टिंग कराया था? अभी हम लोग ने टोटल 28 लोगों का टेस्टिंग अभी यहाँ हुआ कमाल चौक में। अभी हम लोग जा रहे हैं रिपब्लिकन नगर इंदौरा साइड में, वहाँ पे अभी उधर टेस्टिंग चालू होंगे हमारे। दिन में कितना टेस्टिंग कराते हैं? दिन में मैडम ऐसा ही कि जो बस है हमारे यहाँ, एक ही बस है, वो जो चार प्रभाग पूरा कंटिन्यू घूमती, पहले प्रभाग वाइज काम होता है हमारे यहाँ, पहले 6 नंबर प्रभाग, फिर 2 नंबर प्रभाग, फिर 7 नंबर प्रभाग, ऐसे प्रभाग वाइज टेस्टिंग होता है। जहाँ जितने लोग मिले उतना टेस्टिंग करते हुए घूमते रहती है बस कंटिन्यू, ऐसा काम होता है। चलिए आइए हम पूछते हैं मैक्सी ड्राइवर से कि उनके इस लॉकडाउन में उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, उनके सवारियों के ऊपर क्या असर पड़ा है। आपका नाम? दिनेश।
आपके सवारियों के ऊपर क्या असर पड़ा है? आते हैं क्या अभी भी सवारी? कुछ भी नहीं आते, पूरा खाली बिली बैठना पड़ता, घूमना पड़ता, एक सवारी दो सवारी लेके जाना पड़ता, 10 रुपये में निकलता थी। तो मतलब आपके हिसाब से नहीं आ रही? कुछ भी नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है, ये खाली पीली घूमने वाले लोग हैं, मतलब बेवजह बाहर घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। किसी कारण से नहीं निकल रहे, पुलिस रास्तों पे खड़ी है। हाँ। उनको तो डर लग, कोई डर ना भी, कोई चीज नहीं, गल्ला गुल्ला मार के निकल जाते हैं। गल्ला गुल्ला ये तो मेन चौक है अभी, वो उधर से अंदर से चली जाती है। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए आपके हिसाब से? लॉकडाउन लगाना है तो लोगों की पहले सबसे पहले तो परेशानी दूर करो, परेशानी दूर जब तक के तुम नहीं करोगे तो लॉकडाउन लगा रहे हो। पर आज जो गरीब लोग हैं जिनके पास में एक टाइम रोज का बनाना रोज का खाना, उन लोगों के ऊपर में पहले आप लोग ध्यान दो। गरीब तो गरीब वो तो मर ही रहे हैं, पर आम आदमी भी मर रहा है इसमें। जिनके पास में पैसा है वो ठीक है, पर गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा? ये सब चीज़ें अभी जैसी है, बसें नहीं चालू है। आज बस से अगर नहीं जाते और ऑटो से जाते तो ऑटो वाला 30 रुपये लेगा और बस से जाएंगे तो 10 रुपये लेगा, तो वो 20 रुपये की इनकम वो कहाँ से लाएगा? ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो इनकम नहीं है और खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहले तो अगर लॉकडाउन लगाने के पहले तुम लोगों की व्यवस्था करके दो, व्यवस्था करने के बाद में लॉकडाउन लगाओ, तब फॉलो करना चाहिए। नहीं तो ज़बरदस्ती में तुम लॉकडाउन लगा रहे हो और लोगों को मार रहे हो, ये तो बेकारी की बात ही हो गई ना। जबकि आपको समझने को होना कि इन सब चीज़ों में नुकसान पब्लिक का हो रहा है। आप तो अपने जगह सेफ हो, पर आम आदमी जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो तो मर रहे हैं ना, इनमें क्या करेंगे? काम करते हो तो? मैं अभी खाली हूँ। खाली है? हाँ। घर कैसे चलता है आपका? अभी वो हमारे को जैसे विकलांग है ना, 1000 रुपये महीना मिलता है, पर बाकी कैसे है, मम्मी आचार्य के काम पे जाती है करके मिलता था, पर वो भी अभी घर पे बैठ गए, तो करना क्या चाहिए हम लोगों ने? तो लॉकडाउन भर आप खाली ही रहेंगे क्या? अभी जैसी लॉकडाउन में भर खाली, पहले हमने लोगों की सेवा की है, पर हमारे को सेवा का कोई ये नहीं दिए। हम लोगों ने कोरोना योद्धा के रूप में आमदार निवास, रवि भवन और यहाँ पे अपना अपना न्यौवा में हमने सर्विस किए। फिर उसके बाद में कोरोना ख़त्म हुआ तो हमको घर में बिठा दिए इतने सारे लोगों को। तो इन लोगों ने फिर कोरोना ख़त्म हो गया है तो फिर हम लोगों को घर में क्यों बिठाए? लेकिन पेशेंट्स तो निकल ही रहे ना, जैसे कि न्यूज़ पेपर में ये पेशेंट निकल रहे हैं, तो फिर पेशेंट निकल रहे हैं तो फिर हमको घर में क्यों बिठाए? हमको क्यों, जब इतने ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं तो फिर जो लोग काम कर रहे थे कोरोना के योद्धा, उनको घर में क्यों बिठाए? क्या कारण है इसका, क्या रीज़न है इसका, ये तो बताना चाहिए इन्होंने। लोगों की व्यवस्था कीजिए, लोगों की व्यवस्था होने के बाद ही आप लोग लॉकडाउन ये करें, तो हम लोग भी लॉकडाउन फॉलो करेंगे, पब्लिक भी फॉलो करेंगी। नहीं तो लॉकडाउन अभी 11 बजे बंद कर दिया, 1 बजे, 1 बजे बंद करने के बाद में आम आदमी जो काम करने के लिए जाता है बाद में क्या कहाँ से लाएगा वो सामान लेने के लिए? आज सब्जी वाला तो बोलो तो सब्जी वाला सुबह जाएगा 6-7 बजे सब्जी लाएगा, 2 या 3 घंटे में सही में सब्जी बिकने वाली है उसकी वाली, वो क्या लाएगा और क्या खाएगा? इस चीज़ों के ऊपर में पहले ध्यान तो दो। हाँ, आज सब्जी लेने के लिए जाएंगे हम लोग 12 बजे 1 बजे, अगर कोई काम करने भी जाता है तो वो आएगा 5 से 6 बजे आएगा, 5-6 बजे आने के बाद में उसको सब्जी मिलेंगी क्या? हाँ, उसको किराना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पहले इसकी व्यवस्था कीजिए, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगाइए बोलना, बस इतना ही कहना है कि पहले व्यवस्था कीजिए बाद में लॉकडाउन लगाइए। अभी हम थे कमाल चौक में, आपने देखा ही होगा कि लोगों ने प्रशासन के नियमों का पूरी धज्जियां उड़ाते हुए आपने देखी होंगी, पूरे लोग आना जाना अभी भी कर ही रहे हैं, खाली दुकानें जो है वो पूरी बंद है, लेकिन लोगों का जो आना जाना है वो अभी थम नहीं रहा है। लॉकडाउन से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।